हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एसपाल न्यूज़। इसमें लेके आया हूँ मैं आपके लिए 15 जून 2020 के करंट अफेयर, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, जितने लोग भी यहाँ पर सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, धन्यवाद। बहुत ही ज़्यादा उपयोगी। किसने स्वचालित मास्क निपटान मशीन Win19 लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जो बनेगा आपका ए बनेगा, BST मोबिलिटी सॉल्यूशन करके एक स्वचालित मुखोटा निपटान मशीन को COVID-19 संक्रमण से निपटने में मदद करने के लिए उत्पादों में विकास के प्रयासों में सहायता करने के लिए केरल स्थित स्टार्टअप BST मोबिलिटी सॉल्यूशन स्टार्ट किया गया है। किसको प्रकृति सूचकांक 2020 में शीर्ष 30 भारतीय संस्थानों में पहला स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर बनेगा आपका CSIR बिल्कुल सही आंसर है। सूचकांक में सबसे 30 भारतीय संस्थानों में पहला स्थान दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, किस व्यक्ति को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा रतन लाल, ओहिया स्टेट यूनिवर्सिटी OSU के ये जो है कृषि मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। और देखिए, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14, किस संगीतकार को ऑस्ट्रेलिया सम्मान के लिए चुना गया है? तो इसमें जो आपको नाम याद रखना है वो रखना है शोभा शेखर। आपको पहला आंसर बिल्कुल, मेलबर्न की रहने वाली संगीतकार शोभा शेखर को यह ऑस्ट्रेलिया सम्मान के लिए चुना गया है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, वो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, COVID-19 रोगियों के इलाज हेतु प्लाज्मा नेटवर्क किस देश से ने लॉन्च किया है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश सरकार के द्वारा सोहो जोधा नामक पहल शुरू की गई है COVID-19 से उभरने वाले मरीजों और अभी को COVID-19 संक्रमण के इलाजों में जुटे हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, शंभू एस कुमारन किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर फिलीपींस, शंभू कुमार एस फिलीपींस में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है यहाँ पर। तो वी आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा, फिलीपींस। ठीक है, ध्यान रखिए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपका, अंतर्राष्ट्रीय एलिविजनम रंगहीनता जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एलिविजनम रंगहीनता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस का उद्देश्य एलिविजनम के शिकार लोगों से विश्व में होने वाले भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए बस 13 जून को मनाया जाता है यहाँ पर। नंबर 8, सरकार सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम योजना STP किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका किया गया है NCDC के द्वारा, NCDC सहकारी विकास निगम मित्र इंटर्नशिप SI की पहल की गई है आदित्य सरकार क्षेत्र विकास के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है NCDC करके। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्या है, किस IIT संस्थान ने उच्च शिक्षा संस्थानों की भारत रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वह आपको याद रखना है। ठीक है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो यह आपका IIT मद्रास में भारत प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ऐसी बेंगलुरु के बाद पहली रैंक हासिल की है यहाँ पर उच्च शैक्षण स्थानों की भारत रैंकिंग में। 11 जून 2020 को श्री रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा यह जारी की गई थी। ठीक है, और रैंकिंग को 10 श्रेणियों में डिजिटल रूप में जारी किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका लास्ट आज का क्वेश्चन, किसने मुंबई के लिए एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली विकसित की है जिसे iFlojo मुंबई के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो वी आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ऐसी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब